नमस्कार दोस्तों, जय सियाराम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, इस भजन को नोटेशन के साथ में। शेष साथ पहले काली से हमको सीखेंगे, जो बिगनर हैं वो भी आसानी से इस भजन को बजा लेंगे। तो इसमें जो स्वर यूज हुए हैं, पहले काली सी साथ, सा रे मा पा धा और सा, ठीक है। बात करें मंद्रक सप्तक की तो एक स्वर है, वो है नी कोमल। नी सा रे गा का यूज इसमें नहीं है, मा पा धा और सा, ठीक है। शुरुआत है इसकी सा से, और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस हिसाब से पहली लाइन है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, ठीक है। कभी कभी में हमारे स्वर यूज होते हैं तीन, कभी सा सा और नी को, कभी फिर प्यासे। प्यासे के लिए हमारे पास पांच स्वर इसमें प्यासे में यूज होते हैं, प्यासे नी सा नी सा रे प्यासे, ठीक है। नी सा रे प्यासे, को है हमारा सा पे, को कभी प्यासे को, ठीक है। पानी पानी है सा सा पानी पिलाया पिलाया, सा सा रे सा नी कोमल पिलाया। नहीं नहीं में दो स्वर यूज हैं, नहीं सारे, पूरी लाइन प्ले होगी हमारी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। एक बार और देखिए, कभी सासानी कभी प्यासे को, प्यासे को निशा निशा रे सा पानी पानी पिलाया पिलाया नहीं पिलाया नहीं। एक बार और देखिए आराम से, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। फिर नेक्स्ट लाइन है, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बादे अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद बाद में यूज हुए हैं सा सा, बाद अमृत, अमृत में चार स्वर यूज हुए हैं, अमृत रे मा मा पा अमृत, ठीक है। पिलाने, पिलाने में भी चार शब्दों का यूज हुआ है, पीला पा मा मारे पीला पीला ने से रे सा सा ने रे सा पीला ने से, क्या क्या में हुआ क्या रे मा रे क्या फायदा फायदा, तीन बार सा 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 फायदा। बादे अमृत पिलाने से क्या फायदा, एक बार और देखिए, बादे अमृत बादे अमृत पिलाने से क्या क्या रे माँ को चुन टच करते रहेंगे, क्या फायदा सा सा सा। पूरी लाइन फिर से देखते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
अमृत पिलाने से क्या फायदा। है ना आसान? कभी अगली जो दो लाइन है वो भी सेम रहेंगी। कभी गिरते हुए को कभी शासन, कभी गिरते हुए को, गिरते हुए को निशा निशा रे सा 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 उठाया नहीं, उठाया नहीं सा सा रे सा नी सा रे उठाया नहीं। फिर बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। तो चारों लाइन लगभग लगभग सेम हो गई। यही हमारा अंतरा है। अंतरे की स्टार्टिंग है हमारी धा से, ठीक है। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। ये हमारा अंतरा है। दो लाइन अंतरे की सीखनी है और पूरा का पूरा भजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली लाइन हमारा मैं तो मंदिर गया, मैं तो मंदिर गया, ये पूरा गया यहाँ पूरा धा पे रहेगा, शुद्ध धा पे। मैं तो मंदिर, मंदिर गया, गया पूरा धा पे रहा। मैं तो मंदिर गया पूजा, पूजा ये भी धा पे रहेगी, पूजा आरती, आरती की धा पा पा मा मा पा आरती की, क्या क्या धा पा पा मा मा पा आरती की पूरी लाइन हुई। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। पूजा के लिए जो है पामा, पूजा करते करते मुआ है पा धा पा करते, पूजा करते हुए हुए में है हुए मा मारे हुए, ये के लिए है ये रेसा ये ख्याल, ख्याल भी है ख्याल रे मा रे ख्याल ख्याल रे मा रे आ गया सा 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 पूजा करते पूजा करते हुए, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, ख्याल आ गया, ठीक है। पूरी लाइन है मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। ख्याल में हमें सा रे मा रे करना है, ख्याल आ गया, ठीक है। अब फिर वापिस कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। ये वाली लाइन बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा सेम रहेगी।
सिर पे पूजा के करने से क्या फायदा। ठीक है, बाकी के जो सारे यंत्र हैं सेम ही प्लेंगे। जैसे नेक्स्ट है, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाने हरिद्वार, पूरा धापे रहा शुद्ध धापे, गंगा नहाने हरिद्वार काशी काशी गया, धा पा पा मा मा पा काशी गया। फिर गंगा नहाते पा मा पा धा पा गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, हुए ये मा मारे रेशा हुए ये ख्याल, ख्याल सारे मारे ख्याल आ गया सा सा सा। मैं गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। फिर तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। सारे के सारे यंत्र सेम प्ले होंगे। दोस्तों तैयार कीजिए इस आसान से भजन को। आशा है आपको ये भजन समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसकी नोटेशन और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। तो जय सियाराम।